ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेतोत्पत्याद हेतवे दापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय पयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री सुभाष गुरवे नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं पुष्पेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु चस्का तुमेव तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देवते। ओम जयती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा नमस्तुते। मात मनावे सरस्वती मैया में धरूं तुम्हारो ध्यान आज सभा के बीच में मारा कि हमारो। जय गणनायक गणपते जय गजराज गणेश जय त्रिशूल धरि त्रिपुर हरि सूत्र गुणातीत महेश। संत हमारी आत्मा संत हमें सिर मोर सबको सीता राम है सो अपने अपने ठोर। गजब की बांसुरी बजती उस वृंदावन बसैया की तारीफ क्या करूं मुरली या मुरली धर कन्हैया की। जहाँ काम चलता था तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी बंसी या मुरली की तानों से। गोविंद गारी भीर में और मैं सुमिरत हूँ तोय पति राखी प्रहलाद की तो जी भरोसो। आदरणीय श्रोता बंधु आदर के मेरे पिता तो लेवम बुजुर्ग लोगों कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे हम उम्र साथी इस भारत भूमि पर पलने वाली मेरी सीता सावित्री अनुसुईया जैसी मातृशक्ति एवं माता बहनाओं आज कथा का चलते चलते पांचवा दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है तो मैं यही चाहूंगा कि भगवान की कथा को बड़े प्रेम पूर्वक भाव से ध्यान लगा करके रसा स्वादन करें। तो कथा प्रारंभ होने से पहले तुलसीदास बाबा ने एक रामायण में लिखा था कि प्रथम भक्त संतन कर संगा और दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों की इज्जत संतों का सम्मान, दूसरी भक्ति कथा सुनने से कलयुग रूपी पापों का विनाश हो जाता है। तो भगवान की कथा प्रारंभ होने से पहले सभी भक्तगण भगवान के चरणों में नमन करते हुए दो शब्द चलेंगे आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हुए। अरे अंध की अरे तू मेवारे तज आयो
और धना भगत को खेत भी जमीन के सिरे उपजायो कन्हैया धना भगत को नाम तेरो दुनिया मेरे छायो और सिरसा गढ़ के बीच भातु दिन नाम रे पहरायो अरे सिरसा पैदा दूध तेरी मैया को न पियो आज हमारा
घंटा तीनों काटी बचाई दे भारी तेरे अन्ना प्यारे बल पे मेरे पास